हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी और बढ़ सकती है। आपका जो एसएससी चैनल 2020 का एग्जाम हुआ था, उसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है 23 सितंबर को, और उस रिजल्ट में इन्होंने एक पर्टिकुलर कट ऑफ दे दी है कि जिसके नंबर इस कट ऑफ से ऊपर हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए, जिनके नहीं है उनको बाहर कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एसएससी ने स्किल टेस्ट के रिजल्ट के साथ ही एक कट ऑफ निकाल दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को वहीं से हटा दिया जिनका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, पर ये बिल्कुल नया था तो इसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा लोगों को टाइम लगा, बट इससे एसएससी का काम बहुत कम होगा। आप खुद देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर गेट सी में इन्होंने कितने बच्चे बुलाए हैं, सिर्फ 227, ओनली 227। और आप देखो, एससी में कितने बच्चे हैं, 35, एसटी में 9, ओबीसी में 91, ईडब्ल्यूएस में 32, यूआर में 54, इसी तरह से। और जो एससी की जो कट ऑफ हुई है ग्रेड सी की, हो गई 139.31, एसटी की है 119.86, ओबीसी की है 148.42, ईडब्ल्यूएस 149, ये ग्रेड सी की है, और यूआर की है 157। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फाइनल मार्क्स में ग्रेड सी के, अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं, अगर मैं सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात करूं, तो ये जो आपके मार्क्स जाएंगे ना भाई साहब, तो आई थिंक 165 के अराउंड चले जाएंगे। 165 एक सेफ स्कोर कह सकते हो आप। अगर मैं इसको कैटेगराइज करूंगा ना, तो ये आपका 163 से लेकर के 166, सिर्फ जिसके नंबर इसके बीच में है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी जिनके नंबर इतने नहीं है उनका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कट ऑफ उठाई है उस हिसाब से आप बच्चे देखे ना, यूआर में कितने 54 बच्चे हैं, कैंडिडेट्स अवेलेबल कितने हैं, 54, और तो कट ऑफ तो बढ़नी है ना भाई साहब, इस बात को आप समझते ही होंगे। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में देखिए, बहुत ज्यादा खेल तो नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें भी लगभग लगभग वही सेम प्रोसेस ही रहेगा, क्योंकि पहले ही एससी में काफी बच्चे कर चुके हैं भाई। तो इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो मैं आपको फाइनल बता देता हूँ, 144 से लेकर के 146, इससे ज्यादा नहीं जाएगी इसकी कट ऑफ। जिसके नंबर 144 से लेकर 146 है वो बिल्कुल ही सेफ है। देखिए, मैक्सिमम 146 है, इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकती भाई साहब। जो लोग भी कह रहे हैं ना, जो भी टीचर्स कह रहे हैं कि अभी जो कट ऑफ है वो 10-15 नंबर बढ़ जाएगी, तो भाई साहब क्या लॉजिक है आपका, किस लॉजिक के हिसाब से आप कह रहे हो कि 146 कट ऑफ चली जाएगी? अरे इम्पॉसिबल है भाई, पहले इतनी कट ऑफ उठा दी है, अभी भी अगर इतनी ज्यादा कट ऑफ उठा देंगे तो क्या मतलब है, तो बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा, बच्चे कैसे लेंगे, इनको भी जॉब देनी है ना, इनको भी वैकेंसी भरनी है ना, तो इतनी कट ऑफ भी नहीं उठाएंगे ये लोग, तो इस बात को समझिए आप। अभी हम जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं कि जो एससी है, एससी मैंने आपको बता दिए, जो एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, इनका इनका कितना जा सकता है। देखिए, जो एसटी है तो एसटी का मैं कह सकता हूँ 125 बिल्कुल सेफ है, और अगर ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी गई है 148, लेकिन इसका जो फाइनल जाएगा वो 155 सेफ है, और यूआर के मैंने आपको बताया ही है 163 से लेकर के 165 तक, उसको मैं 166 भी कर दूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, मैंने आपको 166 ही बताया था शायद, 163 से लेकर के 166 तक इसके नंबर हैं, वो बिल्कुल अपने आप सेफ समझे। तो ये तो हो गया आपका ग्रेड सी का। अब हम बात करने वाले हैं जिनके नंबर ग्रेड डी में जो कट ऑफ हुई है और उसमें कितना आपका मार्क्स होगा, जिससे कि आप अपने आप को सक्सेसफुल फील कर सकते हैं। देखिए, ग्रेड डी में जैसे मैं एससी की बात करूं, कट ऑफ हुई है 128.42। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 128.42 हैं, वो तो सिलेक्टेड हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर 128.6, 128.9, 130, 131, बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे। तो देखिए, मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा, और जिनके नंबर 130 के अकॉर्डिंग के आसपास हैं उनका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लीज सच्चाई को समझिएगा, पर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो कट ऑफ इसकी बढ़ेगी ना, वो जिसके नंबर भी 133 है, मतलब सिर्फ 5 नंबर का फर्क आएगा, वो अपने आप को बिल्कुल ही सेफ फील कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इनके नंबर 133 से लेकर 135 तक है, ये तो जो इसके बीच के जो नंबर है ना, जैसे कि आपकी कट ऑफ जो है फाइनल 133.4 भी आ सकती है, 133.9 भी आ सकती है, 134.06 भी जा सकती है। ये मैं आपको बेसिकली कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, जिनके नंबर 133 से लेकर के 135 के बीच में है, वो एससी कैटेगरी में बिल्कुल अपने आप को सेफ फील करें, उनका सिलेक्शन फाइनल पक्का ही हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता उनका सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में मुझसे एक बंदे ने सवाल पूछा था कि भैया मेरे नंबर 108 है,
108.5 है, आप मुझे ये बताइए मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। देखिए एसटी की ऑलरेडी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं उठी है, तो इसलिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं उठेगी। जिनके नंबर भी 108 के ऊपर हैं, 108 के ऊपर जिनके भी नंबर हैं वो एसटी कैटेगरी में सिलेक्टेड हैं, उनका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं उठने वाली है भाई। तो जो भी लोग कहें 10 से 15 नंबर उठेगी, प्लीज़ उनकी बात मत सुनो, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो। हालांकि SSC अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि यार इतना ऑलरेडी बढ़ा दिया है, 10-12 नंबर, 20 नंबर। आप एसटी में देखो 84 गई थी, कितना बढ़ा दिया है, अब 101, लगभग लगभग 70 नंबर बढ़ा दिया गया। अभी फिर से 15 बढ़ाएंगे तो कट ऑफ देने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं होने वाला है। ओबीसी अगर मैं बात करूँ, ओबीसी में जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 143 से लेकर के 146, इसके ऊपर 5 स्टार मिल जाएगी। अब अगर मैं EWS की बात करूँ, अब EWS में भी लोग ये कह रहे हैं ग्रेड डी में 15 नंबर बढ़ जाएगी, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, EWS में ग्रेड डी में 15 नंबर बढ़ने वाला समझ रहे हो आप, क्या 142 दे दोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। EWS में थोड़ा सा बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, यहाँ से करीब करीब 8 से 9 नंबर का फर्क आ सकता है, जिनके भी नंबर 135 के ऊपर हैं और 138 के बीच में है, 135 से लेकर 138 के बीच में जितने भी लोग हैं ना, उनका सिलेक्शन EWS में हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मेन UR की। UR कैटेगरी में जो इन्होंने कट ऑफ निकाली वो निकाली है 148, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिनके नंबर भी 154 से लेकर के 157 के बीच में हैं वो बिल्कुल ही फाइनल सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब ये आप ये सोच रहे हो कि मैं ये 3 नंबर का जो गैप दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है ना कि नहीं इतना जाएगा, तो इतने के बीच में जिनके नंबर है वो अपने को सेफ फील कर सकते हैं। और आई थिंक जिनके नंबर भी 154 के ऊपर है ना भाई साहब वो लोग सिलेक्टेड हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज कितनी तारीख है, 28 सितंबर है, अभी आपका कल से DB शुरू है, यानी कि आपका 3 दिनों में DB हो जाएगा। और आप यकीन मानो नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा ना, नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपके 22 के एग्जाम के पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी एनालिसिस जो मैंने करी हुई है आपको बताने के लिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो मैंने कट ऑफ बताई है 99% चांसेस हैं कि कट ऑफ जो है उतनी ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मैंने लॉजिक भी बता दिया है आपको कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके जो उन्होंने कट ऑफ निकाली है SSC ने स्किल टेस्ट के समय का जो रिजल्ट निकाला उस समय, उसके क्या पता 0.6 नंबर ज़्यादा हो, 0.9 नंबर ज़्यादा हो, किसी के सिर्फ 2 ही नंबर ज़्यादा हो, किसी के सिर्फ 1.5 नंबर ज़्यादा हो, तो उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि आप जिनके नंबर भी जो कट ऑफ मार्क्स निकाली उससे 5 नंबर भी ज्यादा है वो 100% सिलेक्टेड है। ये मैं EWS के छोड़कर के बात कर रहा हूँ, बाकी सब सिलेक्टेड है। और UR में थोड़ा सा 6-7 नंबर का फर्क हो सकता है, EWS में 7-8 नंबर का फर्क होगा। तो ये जो है छोटा सा एनालिसिस मैंने किया है अपने हिसाब से। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना।